मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, फूड विद हैप्पी लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज की सब्ज़ी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ले ली है सब्जियाँ, शिमला मिर्च, बैंगन, आलू और बीन्स। ये थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ मैंने अपने हिसाब से ले ली हैं। इनको धोकर अच्छी तरह काट लिया है। एक बड़ा हुआ कटा हुआ प्याज, 5-7 लहसुन की कलियाँ, एक टमाटर, हरी मिर्चें 2, और ये रोज़ाना के यूज़ करने वाले मसाले। अब मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाला है 2 बड़े चम्मच, क्योंकि इस तेल में ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप चाहें तो दूसरा तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो तेल अब हमारा गर्म हो चुका है। मैंने 2 साबुत लाल मिर्च ले ली हैं। इनको मैंने 2 टुकड़ों में तोड़कर डाल दिया है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा हींग इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें साबुत जीरा 1 टेबलस्पून, साबुत धनिया 1 टेबलस्पून ये डाल दूंगी और अच्छी तरह गर्म होने दूंगी। अब ऊपर से मैं कटा हुआ प्याज और लहसुन डाल दूंगी। अब इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और प्याज को ब्राउन होने तक भून लेना है। दो तीन मिनट तक प्याज हमारा पक जाएगा। उसके बाद मैं इसमें 1 बड़ा टमाटर काट के ले लिया है और 2 हरी मिर्चें थी उनको भी इसमें ऐड कर लूँगी। देखिए प्याज हमारा पक चुका है। अब ऊपर से मैंने ये टमाटर और हरी मिर्च डाल दी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है, नमक स्वाद के अनुसार, और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है। कसूरी मेथी आप जब कभी भी डालते हो तो इसे हल्के हाथों से मसल कर डालना है और टमाटरों को अच्छी तरह से पका लेना है। अब थोड़ी देर में ढक्कन लगाकर इन टमाटरों को पका लूँगी। और ये देखिए ढक्कन खोलने पर ये टमाटर लगभग पक चुके हैं। अब ऊपर से मैंने इसमें बीन्स और आलू मिक्स कर दिए हैं। थोड़ी थोड़ी सब्जियां डालकर इसमें अच्छी तरह से चला लेना है। सारी सब्जी इकट्ठी नहीं डाल देनी है। बाकी की कटी हुई सब्जियां भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और इसको ढक्कन लगाकर सब्जी को पका लूंगी। 2-4 मिनट पकने के बाद मैं इसका ढक्कन खोल दूंगी
और इसे पलट लूँगी ताकि हमारी सब्ज़ी नीचे ना लगे। सब्जी हमारी हाफ बॉईल हो चुकी है, आधी पक चुकी है। अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया मिक्स कर लूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं ढक्कन लगाकर इस सब्ज़ी को 2-4 मिनट तक और पका लूँगी ताकि हमारी सब्ज़ी अच्छी तरह से पक जाए। 2-4 मिनट पकने के बाद मैंने इस ढक्कन को खोल दिया है और सब्जी को चेक किया है तो सब्जी लगभग पककर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ये सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस सब्जी को जिस चीज़ के साथ खाना चाहे खा सकते हैं, जैसे चपाती हो गई, परांठा हो गया, उसके साथ खा सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।